गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। आज हम लोग रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 को। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एफ सच दैट एन टेन टू एन बी डिफाइंड बाई, जो फंक्शन है डिफाइंड है fn, n+1 अपान टू इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन। फॉर ऑल n बिलोंग टू n, क्लियर। फंक्शन है n टेन टू n, मतलब इसका डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर। इसका जो को डोमेन वो भी क्या है? नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू n+1/2 कब होती है? जब n क्या होता है? ऑड होता है। और फंक्शन की वैल्यू जो है n/2 कब होती है? जब n क्या होता है? इवन होता है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, क्लियर। शो करना कि, बताना कि क्या है? बाइजेक्टिव है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर क्या करना है? जस्टिफाई करना है। आंसर क्या करना है? जस्टिफाई करना है, क्लियर। नेचुरल नंबर के लिए क्लियर। हम देखते हैं इसको, ये पार्ट जो इसका f1, अगर f1 हम फाइंड करें तो f1 कितना आएगा? f1 इक्वल टू आएगा f1, तो ये 1 पुट करेंगे तो 1+1/2 कितना आएगा? 1 आएगा। F2 पुट करेंगे हम लोग तो F2 पुट करने पर क्या पुट करेंगे? F2 टू क्या है? इवन नंबर है। टू इवन नंबर अगर हम पुट करेंगे तो ये कितना होगा? 2/2 कितना आएगा? 1 आएगा। 2/2 कितना होता है? 1 होता है। F2 भी 1। द एलिमेंट 1 और 2 बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ F हैव द सेम इमेज एंड इट्स को डोमेन F इज नॉट 1 1। F इज नॉट 1 1 क्योंकि 1 का भी एक एलिमेंट कहाँ बन रहा है? 1 बन रहा है। 2 का भी क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, इसलिए 1 1 नहीं। बी, बी क्या कहता है? एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, दैट इज 1 हैज 2 प्री इमेज 1 और 2। जबकि 1 कितनी इमेज है? 2, 1 और 2। एफ इज अन टू, मतलब कि जो सेट बी होगा, जो दूसरा सेट होगा, ठीक है, उसमें जितने भी, क्योंकि नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि क्या है? नेचुरल नंबर। इसमें जितने भी होंगे नेचुरल नंबर में, वो किसी न किसी के क्या होंगे? इमेज होंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा राइट कर दे रहे हैं हम इसको। एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन, एवरी नंबर, एवरी मेंबर राइट कर लेते हैं, या एवरी नंबर ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन 1 हैज 2 प्री इमेज, 1 हैज 2 प्री इमेज 1 और 2। 1 के 2 प्री इमेज है, कौन कौन से? 1 और 2, क्लियर। तो ये 1 1 नहीं है, ये है क्या? 1 2 है, क्लियर। एफ इज 1 2, तो दस वी कैन से एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, बट इट इज 1 2,
इट इज ऑनटू, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। इसका मीन्स हुआ कि बाइजेक्टिव क्या होता है, जब वन वन भी होता है और ऑनटू भी होता तो क्या होता, बाइजेक्टिव होता, क्या होता, बाइजेक्टिव होता, क्योंकि ये जो है वन वन नहीं है, क्या है, सिर्फ ऑनटू है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लेट ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू आर माइनस थ्री, आर माइनस थ्री, बी इक्वल टू आर माइनस वन, आर माइनस वन, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट, फंक्शन जो है एफ सच दैट ए टू बी में डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री इज एफ वन वन एंड आन टू, क्या एफ जो है वन वन और आन टू है, जस्टिफाई योर आंसर, आप आंसर को जस्टिफाई करना है। क्लियर। तो देखते हैं ये सब गिवन में है, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स जो है एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स वन, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, एक्स वन माइनस टू अपान एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू, इक्वल टू इसको हम राइट करेंगे, वन मिनट थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो कट गई, वीडियो स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट कर दें इसको। क्लियर। एफ एक्स टू फाइंड करेंगे तो कितना होगा, एक्स टू माइनस टू अपान एक्स टू माइनस थ्री, एक्स टू माइनस थ्री, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री, एक्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री, मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग तो एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन और प्लस कितना होगा सिक्स, तो सिक्स सिक्स कैंसिल, एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू। ओके, अब चेक कर लेते हैं क्या ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, एक्स वन को एक सेट करते हैं, हेयर माइनस थ्री एक्स वन और यहाँ पे माइनस टू एक्स वन सर्चिंग क्या होगा प्लस टू एक्स वन इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू। क्लियर। इसको हम लोग सॉल्व कितना आएगा, माइनस एक्स वन, यहाँ से कितना आएगा माइनस एक्स टू, कैंसिल हुआ, इम्प्लाई दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू क्या आ गया एक्स टू आ गया, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू का मतलब देयर फॉर एफ इज वन वन, एफ क्या होगा वन वन होगा। क्लियर। अब सेकेंड थिंग जो है क्या चेक करेंगे, ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू बी वाई इक्वल टू वही एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री है ना, एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री। क्लियर। तो इसको हम लोग ट्रांसफर मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे एक्स, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स वाले को एक साइड कर लेते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स इक्वल टू फाइंड करेंगे तो थ्री वाई माइनस टू अपान वाई माइनस वन, वाई माइनस वन।
क्लियर। तो हम देखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ वाई एक्सेप्ट वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन को छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे, किसी न किसी के प्री इमेज होंगे। क्लियर, किसी न किसी क्या होंगे, प्री इमेज होंगे। ठीक है, हम राइट कर सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई एक्सेप्ट वाई इक्वल टू वन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई एक्सेप्ट वाई इक्वल टू वन देयर इज अ प्री इमेज, देयर इज अ प्री इमेज एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। दस वी कैन से एफ इज वन वन एंड ऑन टू, एफ इज वन वन एंड ऑन टू, एफ क्या वन वन भी है और ऑन टू भी है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है, लाइट कटने की थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर इलेवन, लेट एफ सच दैट आर टेन टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर, चूज द करेक्ट आंसर, आंसर करेक्ट बताना है इसमें। क्लियर, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर है तो हम एफ वन फाइंड करेंगे, एफ वन इक्वल टू वन आएगा और इक्वल टू क्या आएगा एफ माइनस वन, दोनों का एक ही इमेज बनेगा तो ये वन वन है नहीं, एफ इज नॉट वन वन, एफ इज नॉट वन वन। ऑन टू चेक कर लेते हैं। क्लियर, क्या चेक कर लेते हैं, ऑन टू इसे माइनस टू ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं माइनस टू। जैसे अगर इस तरह से कोई डाउट है तो हम थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए अगर हम यक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो कितना आएगा वन, टू पुट करेंगे कितना आएगा फोर, सॉरी टू पुट करने पर टू टू जा फोर टू जा एट आएगा, एट टू जा सिक्सटीन, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन आएगा। क्लियर, बट जो यहाँ का टू होगा इसमें का टू, इसमें का जो टू होगा वह क्या होगा, वह किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, टू जो है जो माइनस टू होगा वह किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज, वह किसी भी प्री इमेज का एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर, थोड़ा सा मैं राइट कर देता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। फर्दर माइनस टू इन द को डोमेन, फर्दर माइनस टू इन द को डोमेन ऑफ एफ, ऑफ एफ हैज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन एफ इज नॉट वन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर, माइनस टू जो है को डोमेन में है लेकिन उसका जो है प्री इमेज वह डोमेन में नहीं है, इसका मतलब जबकि सबका होना चाहिए, इसका मतलब ये हो कि एफ जो है ऑन टू नहीं है। क्लियर, इसका जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है तो कौन सा पार्ट सही है, एफ इज नाइदर वन नॉर वन टू सही, देखिए ये वन वन भी नहीं था और वन टू भी नहीं था, इसलिए जो है इसका डी वाला पार्ट जो है क्या है करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, एफ सच दैट, एफ सच दैट आर टेन टू आर एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। क्लियर, तो इसमें प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज बनेगा तो क्लियर है, वन वन है यार, वन वन है, देखिए वन का किससे बनेगा
तो वन पुट करेंगे थ्री से बनेगा टू, का किससे बनेगा सिक्स से, थ्री का किससे बनेगा नाइन से बनेगा, फोर का किससे बनेगा फोर से, ट्वेल्व से बनेगा, मतलब जितने एलिमेंट हैं वन टू थ्री जितने भी रियल नंबर को सबका इमेज बनेगा उसमें। क्लियर। अब रही बात कि को डोमेन में जितने एलिमेंट होंगे जितने रियल नंबर होंगे क्या वे सब किसी न किसी एलिमेंट के इमेज होंगे। क्लियर। क्या वो किसी न किसी एलिमेंट के प्री इमेज होंगे। ओके तो सब जितने होंगे यहाँ से जितने मिलेंगे जितने एलिमेंट इसमें होंगे सब किसी न किसी क्या होंगे प्री इमेज होंगे। क्या होंगे प्री इमेज होंगे। क्लियर। तो हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए अगर ऐसे भी डाउट आपको हो तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वाई इक्वल टू कितना होगा, वाई इक्वल टू होगा y इक्वल टू थ्री एक्स है तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू वाई अपान थ्री। अगर x इक्वल वन पुट करेंगे यहाँ से, अगर वन पुट करेंगे तो वन का क्या होगा, वन पुट करेंगे x इक्वल टू तो कितना होगा, अगर x y इक्वल टू वन पुट करेंगे हम तो कितना आएगा वन अपान थ्री आएगा, वन अपान थ्री जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। माइनस वन अपान थ्री अगर y इक्वल माइनस वन पुट करेंगे इसमें से तो माइनस वन का भी बनेगा माइनस वन अपान थ्री, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं जितने भी मेंबर को डोमेन में हैं सब किसी न किसी एलिमेंट के क्या होंगे इमेज होंगे, सबका प्री इमेज होगा इसके डोमेन में, इसके डोमेन में क्या होगा सबका प्री इमेज होगा। तो ये क्या है यफ जो क्या है वन वन भी है और यफ क्या है आन टू है, तो यफ इज वन वन एंड आन टू, हम राइट कर सकते हैं यफ इज वन वन एंड आन टू, ये वन वन भी है और आन टू भी है। क्लियर। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज चैप्टर आपका है, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज लास्ट हुई, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, वैसे इसमें शायद कुछ डिलीट भी है, देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 है कि नहीं आपके सिलेबस में। ओके लाइट की प्रॉब्लम की वजह से बस आज यहीं तक लास्ट करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।